राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विभाग झाबुआ द्वारा शासन प्रशासन की योजनाओं के नाम पर ग्रामीण क्षेत्र में समूह की महिलाओं को लाभ नहीं दिया जा रहा है, योजना केवल कागजों पर ही है। शारदा समूह ने बताया कि संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा साबुन निर्माण कार्य 2 साल पूर्व बंद करवा दिया गया। समूह की महिलाओं ने यह भी बताया कि साबुन निर्माण लोन की राशि कितनी स्वीकृत हुई थी और कच्चा माल कहां से व कितनी राशि में खरीदा गया था, इसकी जानकारी अब तक समूह को नहीं दी गई है। समूह ने आरोप लगाया कि विभागीय कर्मचारियों द्वारा समस्त दस्तावेज, बैंक पासबुक आदि लेकर धोखाधड़ी कर बैंक खाते से गलत तरीके से रुपए जमा व निकासी की जा रही है। पीड़ित महिला समूह ने कलेक्टर और SP को लिखित में शिकायत की है। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। आपका साबुन का लघु उद्योग चालू करा था तो क्या हुआ? तो हमने 2 बार 50,000 का लोन लिया था साबुन बनाने के लिए। तो साबुन वो कच्चा माल मंगवा के फिर वो हमने साबुन बनाया। साबुन बनाने के बाद फिर थोड़े दिन हमारे घर पे पड़े रहे। फिर हमने सर को बोला कि सर साबुन हमारा कच्चा मकान है तो गंदा होएगा, तो सर क्या करना चाहिए? सर ने बोला कि थोड़े थोड़े करके अपन निकाल देते। फिर सर ने ऐसा भी बोला कि गांव में कोई लेने वाला है तो गांव में भी दे दो। तो हमने बोला कि सर गांव में इतना महंगा साबुन नहीं लेते। तो सर ने बोला कि अपन देखते हैं आगे कुछ करते हैं, ऐसे करके सर ने बोला। कब बनाया था आपका समूह ये? तो 2014 में बना। उसके बाद कोई ने भी आके खबर नहीं ली आपकी? दो तीन बार ऐसे आए थे कुछ लोग, उसके बाद तो कोई आया ही नहीं। फिर मतलब शासकीय मदद किसी प्रकार की कोई भी आपसे तो नहीं? फिर ये साबुन का वो जो आगे से आया कुछ ऐसे समूह में, तो फिर ये अमित सर आए हमारे यहाँ। तो फिर अमित सर ने बोला कि भाई तुम ऐसा ऐसा धंधा करोगे? तो हमने बोला कि हाँ सर करेंगे। तो फिर सर ने बोला, फिर ये सामान मंगवाया, कच्चा माल मंगवाया, उसके बाद फिर हमने साबुन बनाए। फिर सर ने बोला कि अब ये माल तो आगे से ऑर्डर आएगा जब अपन साबुन बनाएंगे, अब रेन दो, ऐसा बोला। तो इसके बाद से फिर हमने थोड़ा ऐसा ढीला छोड़ दिया। कच्चा माल कहाँ से खरीदा था? ये अहमदाबाद से मंगवाया था। कौन गया था लेने? अबे क्या मालूम सर ने कैसे मंगवाया। अच्छा, इसकी जानकारी भी तुम्हारे को नहीं है? हाँ, सर ने मंगवाया था। और अभी कितने टाइम से आपसे सर का संपर्क नहीं हुआ है आपसे? अभी तो दो साल होने आ गए। ऐसे ऑफिस में हम बचत भरने से आ रहे तो आते हैं। तब कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं आपको? हाँ, ठीक है। शारदा समूह द्वारा शिकायत की गई, शारदा समूह उसके द्वारा शिकायत की गई कि आप इतनी अनियमितता पाई जा रही है, उनके बैंक खातों से आहरण हो रही है राशि, उसके बारे में समाप्त। देखिए, जैसा कि आपने मुझे कल का आपने बताया है कि वो आवेदन आया है, तो जैसा कि आपने बताया कि जल सुनवाई के उन्होंने लगाया है, तो और मुझे अभी उसकी कॉपी भी मिल गई है ना, तो उसकी जांच करवाएंगे ना। और अगर कहीं भी वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, और जो भी दोषी होगा, चाहे हमारे मिशन का ही कोई कर्मचारी क्यों, अगर वो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से कोई वित्तीय अनियमितता में पाया जाता है, उसका नाम आता है, और अगर वो जांच में सही निकलता है तो निश्चित रूप से उसका नियुक्ति हुई है। इनका फर्ज बनता है कि वो समूह वाले से मिले, उन्हें जानकारी दे, तो वो भी जानकारी पिछले 2 साल से उनको नहीं दी है। बिल्कुल, आप जैसा कि भी आप बता रहे हैं, है ना, क्योंकि ये जो जिनका भी यहाँ पे नियुक्ति है पूरे ऑफिसर स्टाफ के, उनकी नियुक्ति इसलिए है कि वो समूहों का समूह के गठन के बाद उनको मार्गदर्शन दे, उनकी आजीविका बढ़ाने के बारे में काम करें, उनको बैंक से करवाए। तो अगर ऐसा अगर नहीं हुआ है ना, तो फिर उनसे हम स्पष्टीकरण मांगेंगे ना, और स्पष्टीकरण अगर उचित नहीं हुआ, उनका जवाब सही नहीं हुआ, तो उनसे निश्चित रूप से करवाएंगे। सर, साबुन निर्माण कार्य किस वजह से बंद किया गया? साबुन निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया, उस समय शुरुआत में यह था कि हमारे पास सरकार से ऑर्डर था कि हमको इतना इतना सप्लाई करना है। यहाँ से साबुन सप्लाई हुआ, रतलाम में सप्लाई हुआ, रतलाम के शासकीय विभाग के। तो उसके बाद से समूह ने साबुन बनाना अभी बंद किया है। वापस जब ऑर्डर मिलेगा तो चालू। सर, इसका कच्चा मटेरियल वगैरह कौन खरीद के लाते हैं? कच्चा मटेरियल समूह और जो CLF है, जो समूह उनके संगठन है, ये उनकी प्रथम दृष्टया जवाबदारी है कि वो सामान खरीद। इस संबंध में सर, आपके विभाग ने कितना लोन राशि स्वीकृत किया था?
वो एक बार मुझे उसका देखना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे आने के पहले का मामला है साबुन वाला। क्योंकि शिकायतकर्ताओं की शिकायत में उन्होंने उल्लेख किया है उक्त राशि के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं, दूसरा आपके ही विभाग के द्वारा कच्चा माल खरीद के दिया जा रहा है। मैं इस बात का पता कर देता हूँ क्योंकि ये मतलब मैं DPM बना उसके पहले की बात, तो मैं पता कर देता हूँ। इसमें जैसे आपने बताया अगर अनियमितता पा गई तो हम कार्रवाई करेंगे, पूर्व शिकायत में भी आप देखेंगे तो जांचकर्ता ने स्पष्ट लिखा है कि दस्तावेज का रखरखाव, आपसी तालमेल, तो ऐसे में मतलब आए दिन यही शिकायतें आ रही, तो आपको ऐसे क्या कड़क कदम उठाया जाए जिससे शिकायतकर्ताओं को न्याय मिले? बिल्कुल देखिए, क्योंकि अगर ऐसी शिकायत आती है कि दस्तावेज संधारित नहीं हो रहे हैं, है ना, या और भी उनके पास दस्तावेज है नहीं, है ना, उनकी जानकारी के बिना पैसे का आरण हो रहा है, तो ये अगर ऐसा भी कुछ मामला पाया जाता है ना, तो निश्चित रूप से ये सभी को, खाली इस ब्लॉक में ही नहीं सभी ब्लॉक में, है ना, इस चीज़ को देखा जाएगा कि ये क्योंकि जिस काम के लिए इनकी पोस्टिंग हुई है वही काम अगर ठीक से नहीं कर पा रहे तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा कि कार्य में लापरवाही बरती जा रही है ना, तो लापरवाही भी अगर बरती है क्योंकि ये मिशन मोड का काम है, लापरवाही भी अगर बरती जाएगी तो जो मिशन की भावना है उसके अनुरूप काम नहीं होगा, और मिशन की भावना के अनुरूप काम नहीं होगा तो फिर पूरे मिशन का होने से कोई मतलब नहीं है ना, तो निश्चित रूप से जो भी अगर ऐसा प्रकरण पाया जाता है तो हम इसके लिए कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए मुझे एक बार स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, है ना, स्टेटमेंट में उनका देख लूँ और मेरे पास आ जाए, उसके बाद मैं इस बारे में कुछ निश्चित रूप से बता पाऊँ। आपका शुभ नाम? विशाल राय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।